और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट है। एयरपोर्ट अस्पतालों को अलर्ट किया गया। राज्य सरकारों के साथ केंद्र ने बैठक की है। सफदरजंग आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल, यहां पर भी अलर्ट पर रहने को डॉक्टर्स को कहा गया। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार का ये अलर्ट, एयरपोर्ट और अस्पतालों को अलर्ट किया गया। राज्य सरकारों के साथ केंद्र की ये बैठक हुई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जरा विस्तार से बताइए, मंकी पॉक्स को लेकर किस तरीके की सतर्कता केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार मंकी पॉक्स को लेकर के काफी गंभीर है और इसको लेकर के लगातार बैठकें भी कर रही है। अलर्ट जारी किया गया है कि एयरपोर्ट पे भी स्क्रीनिंग की जाए। उसके अलावा दिल्ली की बात की जाए तो आरएमएल और लेडी हार्डिंग, ये दो अस्पताल हैं जिनको नोडल अस्पताल बनाया गया है। तो राज्यों के साथ इसको लेकर के लगातार जो बैठकें भी की जा रही हैं, और इसमें जो है अगर हम ट्रीटमेंट के लिहाज से बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। स्मॉल पॉक्स की जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है वो इस पर जो है असर नहीं होगा, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन हुआ था उससे मंकी पॉक्स से बचाव नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है केंद्र सरकार इसको लेकर के और ज्यादा एहतियात बरत रही है, और इससे पहले जो मंकी पॉक्स के जो वायरस थे उसकी तुलना में ये उससे अलग है, और इस वजह से खासे एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स का असर देखा जा रहा है और भारत सरकार उसको लेकर के अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, तमाम जानकारी के लिए। सतर्क है भारत सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।